नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किमी फ्रॉम ब्राइट स्किल्स विद किमी चैनल से, और एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ डॉग फ्लावर पे। और दोस्तों एक बात अगर मैं आपको बताऊँ तो आज मेरे वीडियोस एक से दो भी पढ़ सकते हैं, मतलब मेरे चैनल पर, क्योंकि दोस्तों कल मैंने इवनिंग में एक वीडियो बनाया था और दोस्तों इवनिंग में पता नहीं क्या हुआ, मुझे टाइम नहीं लगा और मैं उसको डाल नहीं पाई। तो मेरे कल का एक इवनिंग ओवरव्यू का वीडियो जो है, डेट के साथ बताऊंगी मैं, वो मैंने दोस्तों अभी तक मतलब डाला नहीं है, तो मैं आज हो सकता है उसे अपलोड कर दूँ। सो गाइस, आज मैं इतना प्यारा मीन्स प्लांट लाई हूँ। चलिए सबसे पहले तो आप लोग इन सब प्लांट्स में से गेस कीजिए कि कौन से प्लांट में मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने वाली हूँ आज का। सो गाइस, अगर आप लोगों ने गेस किया था पहले तो फिर मुझे ज़रूर बताना। वेल, मैंने तो टॉपिक में भी डाल रखा है, तो दोस्तों गेस करने की तो मतलब वही नहीं आती, बात ही नहीं आती। सो गाइस, ये देखिए मैं आज आप लोगों को डॉग फ्लावर पे वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों डॉग फ्लावर इतना ज़्यादा सुंदर फ्लावर होता है और इतना ज़्यादा मीन्स रेयर होता है। रेयरिटी इसकी ये होती है कि डॉग फ्लावर, इसका नाम ही ये है डॉग फ्लावर। तो इसका नाम डॉग फ्लावर दोस्तों क्यों है? इसका नाम डॉग फ्लावर है क्योंकि दोस्तों इसका जो मीन्स, अगर इस फ्लावर को इस तरह से ओपन करें तो ऐसा लगता है जैसे कि एक डॉग का जो माउथ है वो ओपन हुआ है। तो डॉग फ्लावर इसको दोस्तों इसलिए कहा जाता है। ये देखिए कितना प्यारा फ्लावर है और कितना रेयर है मीन्स। और दोस्तों ये जो इतना प्यारा फ्लावर है, आज इसी की केयर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। एक मेरे पास है दोस्तों ये येलोइश लिया हुआ लाइम कलर, ये देखिए क्रीमिश लाइम कलर जो आप कहना चाहें, लाइम कलर का है ये वाला मेरा। एक दोस्तों मेरा पिंक कलर का है, ये देखिए पिंक कलर का। और दोस्तों एक है मेरा डार्क पिंक कलर का। डार्क पिंक अभी तक दोस्तों ब्लूमिंग पे नहीं आया है, ब्लूम वो कर चुका है, मैंने उसकी कटिंग जब से की है फिर तब से मुझे उसमें अभी तक फ्लावर दिखा नहीं है, बट उसमें कलियाँ आ रही हैं। सो गाइस, आज मैं इसी प्लांट पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने वाली हूँ। देखिए कितना ज़्यादा मीन्स प्यारा फ्लावर है, और इसकी शो जब मैंने आपको दिखाई तो आई थिंक आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा कि कितना प्यारा फ्लावर है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन ये प्लांट इतना प्रसिद्ध हो गया है कि आज की डेट में इस फ्लावर को सब जानते हैं। सो गाइस, ये वाला जो प्लांट है इसकी केयर मैं आज आप लोगों को बताऊँगी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी केयर। तो इसकी केयर में दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगी सॉइल की। तो सॉइल दोस्तों इसकी वेल ड्रेन बनती है, बाकी के सीजनल प्लांट्स की तरह, बिल्कुल बाकी के सीजनल प्लांट्स की तरह ही वेल ड्रेन सॉइल ये मांगता है। और वेल ड्रेन सॉइल के बाद दोस्तों इसको चाहिए वेल ड्रेन होल्स। तो मैं वेल ड्रेन होल्स दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को बहुत ही कम लोग बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे, लेकिन दोस्तों मैं बहुत ऑनेस्टली जो मैं करती हूँ, ऑनेस्टली आपको एक एक चीज़ अपने प्लांट्स के बारे में बताती हूँ, कैसे मैं केयर करती हूँ, क्या करती हूँ। तो दोस्तों इसीलिए मैं आप लोगों को वेल ड्रेन होल्स के बारे में, ये एक सीक्रेट है गार्डनर्स का। सो गाइस, वेल ड्रेन होल्स जो हैं, वेल ड्रेन होल्स मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो वेल ड्रेन होल्स के लिए आपको कम से कम 7-8 बड़े होल्स दोस्तों एक गमले में चाहिए होते हैं, 7-8 कम से कम एक बड़े गमले में। ये दोस्तों एक 8 इंच का गमला है, देखिए, लेकिन 8 इंच का गमला, लेकिन दोस्तों हम जब इसे मेज़र करते हैं तो मेज़रिंग के बाद दोस्तों ये कम से कम 7 इंच का निकलता है, क्योंकि अपने डिज़ाइन की वजह से ये 8 इंच का है, और जब इसके डिज़ाइन बेंड किया गया होगा तो ये दोस्तों 7 इंच का अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो गाइज, ये जो गमला है आप लोगों को इसके लिए मिनिमम 8 इंच का चाहिए, 8 इंच का गमला तो ये मांगता है मिनिमम। और मैक्सिमम आप इसे कितना भी बड़ा दे सकते हैं, या फिर आप मैक्सिमम इसे दोस्तों सॉइल में भी लगा सकते हैं, नॉर्मल ग्राउंड सॉइल में लगा सकते हैं, ग्राउंड्स में लगा सकते हैं। सो दोस्तों वेल ड्रेन सॉइल में आप लोग क्या लेंगे? वेल ड्रेन सॉइल में आपको एक भाग रेता, एक भाग सॉइल और एक भाग दोस्तों गोबर की खाद, या फिर आप लोग वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट इज ऑल्सो अ बेस्ट ऑप्शन। और वर्मी कंपोस्ट की एक खास बात क्या होती है, वर्मी कंपोस्ट दोस्तों थोड़ी बिखरी हुई होती है और अच्छी बिखरी हुई होती है मीन्स। सो गाइस, आप लोग वर्मी कंपोस्ट लें तो ज़्यादा बेटर है, सीजनल प्लांट्स में वर्मी कंपोस्ट का ही ज़्यादा जोर रखना चाहिए।
नेक्स्टली गाइस, ये जो प्लांट है इसमें आप थोड़ा सा, अगर आप बिगेनियर हैं तो ये दोस्तों मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। बिगेनियर हैं या फिर आपने नई नई गार्डनिंग सही ढंग से सीखी है, मीन्स आप कर रहे थे लेकिन आपने सही ढंग से अभी सीखी है, तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी इसमें कोकोपीट ना डालें। लेकिन कोकोपीट डालना सीजनल प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएं तो आप कोकोपीट ऐड कर लीजिए फिर, क्योंकि दोस्तों वाटर होल्डिंग हो जाती है प्लांट में, और वाटर होल्डिंग को कैसे मेंटेन करना है ये भी दोस्तों एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। सो गाइस, अगर आप बिगिनियर हैं तो बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, वरना कोकोपीट आप डाल सकते हैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा बिखरी हुई सॉइल बनाने के लिए। सो गाइस, फिर हम लोग बात करते हैं सनलाइट की। तो देखिए, मेरे बाकी के प्लांट्स के साथ ये रखा हुआ है, तो दोस्तों ये है फुल सनलाइट का प्यारा सा प्लांट। तो फुल सनलाइट का प्लांट है ये, और फुल सनलाइट के बाद दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, फुल सनलाइट का पहले तो ये प्लांट है, नेक्स्टली ये जो वाटरिंग है, वाटरिंग दोस्तों बाकी के सीजनल प्लांट्स की तरह होती है, जब इसकी सॉइल सूख जाए तब इसमें वाटरिंग कर दीजिए। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, अगर जब तक इसमें सॉइल मॉइस्ट है तब तक वाटरिंग करने की कोशिश मत कीजिए, वरना आपका प्लांट फंगस से ही डाई हो जाएगा। प्लांट्स दोस्तों, प्लांट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि वेजिटेबल से भी कठिन चीज़ है। वेजिटेबल तो दोस्तों जब हम लोग उगाते हैं तो वेजिटेबल ग्रो करने में वो थोड़े हैवी प्लांट्स होते हैं और वो इजीली ग्रो होते हैं, लेकिन ये इतने हल्के फुल्के प्लांट होते हैं दोस्तों। मीन्स मतलब एक होता है कोई बहुत ही हार्डी प्लांट जो कि बहुत ही हार्डीली ग्रो हो जाता है। एग्जाम्पल आप लोग डेलिया ले लीजिए, हिबिस्कस ले लीजिए, तो ये बहुत हार्डी प्लांट है और बहुत ही ज़्यादा इजी ग्रो, मतलब होंगे ही होंगे आपके गार्डन में, केयर तो आपको करनी पड़ेगी लेकिन होंगे ही होंगे। लेकिन ये वाले प्लांट्स अगर आपने ओवर वाटर कर दिया तो ये एक दिन में भी डाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इनका बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का, तो आप वाटरिंग का बहुत स्पेशली ध्यान रखिए। नेक्स्टली गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र जो कि आप बाकी प्लांट्स में दोस्तों प्रोवाइड करते हैं नॉर्मली, वो भी इसी में दे दीजिए। अब सरसों खली तो दोस्तों भिगोने का समय जा चुका है, तो सरसों खली मत भिगोइएगा। आप नॉर्मली इसमें आप ड्राई फर्टिलाइज़र्स दीजिए। एग्जांपल आप ऑरेंज पील्स को कलेक्ट कर लीजिए, ऑरेंज पील्स को सुखा लीजिए, फिर उसको दोस्तों ग्राइंड कर लीजिए, एक पाउडर फॉर्म में इसको ले आइए और पाउडर फॉर्म में ही आप लोग प्लांट को प्रोवाइड कर दीजिए। ये हो गया दोस्तों एक ऑर्गेनिक। और इसी तरह से आप बाकी की चीज़ें भी दोस्तों पीस के इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्टली गाइस, आप लोग अगर लिक्विड अभी भी देना चाहते हैं तो दोस्तों ऑन योर रिस्क, मतलब गर्मियाँ आ गई हैं, मच्छर वगैरह की बहुत ही प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं इस वक्त बिल्कुल भी लिक्विड फर्टिलाइज़र तो बिल्कुल नहीं बताती किसी को। लेकिन दोस्तों अगर ऑन योर रिस्क आप चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग एक हफ्ते के लिए भिगो सकते हैं ऑरेंज पील्स, बनाना पील्स, जो आप चाहें, या फिर दोस्तों आप एग्जाइम्स यूज़ कर सकते हैं। एग्जाइम बनाने की जो दोस्तों मैंने बताई थी आपको अभी दो तीन वीडियोस पहले, अभी बताया था मैंने कि कैसे एग्जाइम बनता है नींबू का, बट उसमें दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसे भी आप डाल सकते हैं एज अ फर्टिलाइज़र। नेक्स्टली गाइस, अगर हम लोग लेते हैं इसमें बात कर लेते हैं पेस्ट की, तो दोस्तों सीजनल प्लांट है इसीलिए थोड़े पेस्ट तो ज़्यादा लग ही सकते हैं, लेकिन दोस्तों पेस्ट आए ही ना इसका हमें इंतजाम पहले से रखना चाहिए। तो हर मंथ आप लोग, सॉरी मैं क्या कह रही हूँ दोस्तों, मुझे तो समझ ही नहीं आता, हर हफ्ते आप लोग गाइस इसमें नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कर दीजिए, नीम ऑयल का स्प्रे। अब कुछ लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि मैम आप नीम ऑयल स्प्रे बता तो देते हैं लेकिन आप क्वांटिटी नहीं बताते कि कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए। सिंपल है गाइस, अगर आप 1 लीटर वाटर ले रहे हैं तो 1 लीटर में आप लोगों को 5 ml के करीब नीम ऑयल डालना है, और आप लोग डाल सकते हैं ड्रॉप्स के हिसाब से बताऊंगी, क्योंकि दोस्तों जो हमारा ये डिश वॉश हम लोग डालते हैं, डिश वॉश अगर मिक्स करते हैं साथ में तो वो ड्रॉपलेट्स में ही आपको मिलेगा, तो 4 ड्रॉप्स आप उसकी डाल लीजिए दोस्तों। और आपका जो 1 लीटर की बॉटल होती है, ज़्यादातर 1.5 लीटर है, तो आप 7 ml कर लीजिए नीम ऑयल को, और ड्रॉप्स लेकिन डिश वॉश की दोस्तों 4 ही रखिए।
सो ऐसा आप कर सकते हैं, ये मतलब ये एक मेज़रमेंट है, एक जो आप स्प्रे करते हैं उसका। सो गाइस इस तरह से आप लोग इसकी केयर कर सकते हैं। और आज दोस्तों इतना शोर हो रहा है, मतलब हर जगह यहाँ पर दोस्तों कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कभी कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मेरी वीडियोस में इतना बैकग्राउंड शोर आ जाता है और मैं करूँ भी तो करूँ क्या, रोक भी तो नहीं सकते किसी को। सो गाइस सॉरी फॉर दैट अगर बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर आ रहा है। सो गाइस आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया है तो डू लाइक डू कमेंट एंड डू शेयर। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है गार्डनिंग से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सो गाइस आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को टेक्नोलॉजी वीडियोज़ देखना पसंद है तो दोस्तों टेक्नोलॉजी पर भी मैं एक अलग चैनल आप लोगों के लिए बना सकती हूँ, और आपके क्वेश्चंस के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड मैं आप लोगों को थोड़ा सा दोस्तों सिखा सकती हूँ। टेक्नोलॉजी बेस्ड में ऐप्स यूज़ करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, सॉफ्टवेयर मेकिंग में प्रॉब्लम आती है लोगों को सॉफ्टवेयर बनाने में, तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को उस चैनल में बता सकती हूँ। और अगर आप लोग दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कंप्यूटर में आप लोग सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं या किसी भी तरह की एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को सिखा सकती हूँ, क्योंकि मैंने कंप्यूटर में पूरा कोर्स कर रखा है, तो आप लोग उस पर भी पूछ सकते हैं। आई होप आज का वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा, डू लाइक डू कमेंट एंड डू शेयर, एंड गाइस बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे ग्रेट डे ग्रेट डे।